और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चुनावी नतीजों से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी जीत का दावा ठोका है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए दावा किया कि लोग सरकार से परेशान हैं, इसलिए नतीजों में हमारी जीत क्लीन स्वीप है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खासतौर पर जो प्रदेश की सरकार से और सरकार से नाराज हैं, जो इन्होंने वायदा किया कोई भी नहीं पूरा किया। कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक, आमदनी दुगनी कर नहीं पाए, लेकिन लागत दुगनी कर दी, जीएसटी लगा दिया हर चीज़ पर। इसी प्रकार से हमारा इलाका, हरियाणा का इलाका, खासतौर पे फौज में भर्ती होते हैं वो अग्निवीर एक नया सिस्टम ले आए, जिसमें लोगों को बड़ा भारी रिजेंटमेंट है कि अग्निवीर जो है सिर्फ 4 साल के लिए, फिर बाद में क्या करेगा। इसी प्रकार से हरियाणा में जो है जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था, आज पूरे देश में नंबर एक है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में भी बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया। और जो मैं शुरू से बात कही, जो खबरें आ रही हैं वही आ रही हैं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई थी, तो ऐसा लगता है कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप होगा।